पर्यावरण दिवस मना रहे हैं हम लोग, तो पर्यावरण दिवस के लिखा हुआ है इसमें कई हमारे थीम्स हैं, जैसे सेव वाटर, सेव एनर्जी, हेल्दी लाइफ, सस्टेन लाइफ, तो बहुत सारी है। तो हमको ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हमने बनाए हैं आज, तो सर की ऑर्डर हो तो शुरू करें हम उनका। तो सबसे पहले हम नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जो सेव वाटर, किस तरह से पानी की कमी हो गई उसको पूरा कर सकते। हम बोरिंग कर रहे हैं, हम पानी निकाल रहे हैं। नहीं पर क्यों भाई? हाँ चलो अब हम कल चलते हैं। भैया जलवर साजा, भैया आजा बादल, भैया जलवर साजा, भैया नदिया प्यासी, नाले प्यासे प्यासी ताल तलैया, आजा बादल भैया जलवर साजा, भैया नी प्यासी कैसे छोटा, भैया भैया जलवर साजा, भैया आजा बादल, भैया जलवर साजा, भैया आजा बादल, भैया चलवर साजा, भैया आजा बादल, भैया चलवर साजा, भैया आजा बादल, भैया चलवर साजा, भैया आजा बादल। हाँ निकल गया, 100 फीट गहराई में ही। तुमने बताया था भी कि आपने बताया था ना कि नदी खोदो, तालाब खोदो, नाली खोदो, हमने खोदा तो बारिश आके पानी हो गया और वाटर लेवल बन गया तो पानी आ गया। अपने जगह कहानी में कि गांव वालों को कितनी जरूरत पड़ती है पानी की, और वो 100 फीट तक खोदते हैं पर पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। और जैसे अब मैं एक जगह एक गांव को लेना चाहता हूँ, जो मैं इसका एग्जांपल देने के लिए, तो जैसे आप रामपुर गांव को ले लेते हैं, वहाँ पे ना नदी है, ना नाले हैं, ना तालाब है, तो उस वजह से वहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है। इसलिए तो सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 आ जाओ, मैं लेके चलूं फिर प्यार सी यॉट पे, हो जाएंगे हम कल मैलिबु के शॉट पे। पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सारे आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी क्लिक होगी तेरी कभी ये बात न माने। आज भी है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी सानी पर्यावरण पर्यावरण सभी के जीवन की रेखा, पर्यावरण 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 सभी के जीवन की रेखा, पर्यावरण सच हवाएं सच फिजाएं देती हैं ये जीवन की राहें, सच हवाएं सच फिजाएं
देती हैं ये जीवन की राहें, पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण, ईश्वर का ये उपहार सभी के लिए। मैं सेव, अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम जीवन को जी नहीं पाएंगे। हवा के बाद सबसे बड़ी चीज हमारे लिए पानी। अगर हमारे देश में पानी नहीं होगा, हमारे पृथ्वी में पानी नहीं होगा, तो हमारा जीवन हम अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मतलब जी नहीं पाएंगे। हमारे पृथ्वी में पानी था तभी हम पृथ्वी में सब लोग जीवन जी पा रहे हैं। और अदर प्लैनेट्स को देख सकते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, इनमें पानी की जो संख्या है वो लेवल बहुत ही कम है, इसलिए हम यहाँ पे जी पा रहे हैं। आप सोचेंगे कि हर हमेशा यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए पानी जरूरी नहीं है। पानी नहीं है हमारे लिए, हर चीज जरूरी है हमारे लिए। बस पैसे भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, रहने के लिए जगह भी जरूरी है। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमारा जीवन बहुत ही खराब बीतेगा। थैंक यू। ये है स्वास्थ्य भोजन। आपका समय ना व्यर्थ करते हुए मैं अपना टॉप वो उसे कहते हैं जो हमें स्वस्थ रखे, जो हमें पोषण दे, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, उसमें भिंडी, पत्ता गोभी, वो हमें पोषण देती हैं अलग अलग। और दाल भी हमें बहुत सारी पोषण देती है। वाटर, आप सबको लग रहा होगा कि वाटर कैसे, तो वाटर भी हमें बहुत सारा पोषण देता है। थैंक यू। आचार्य महोदय और यहाँ पे सभी उपस्थित शिक्षकों को मेरा प्रिय नमस्कार। तो आपने आप श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय की बहुत कमी रहती है, उस वजह से पानी के लिए सब झगड़ा करते हैं। और शहर में तो फिर भी पानी आ जाता है, पर अब गांव में सोचिए, गांव में तो इतनी गांव जी। आज मैं और यहां पे बैठे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक स्पीच रखना चाहता हूं, जिसका विषय है स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण वह होते हैं हमारे आसपास की सभी चीजें जो हमारे जीवन जीने में सहायता करती है, वो भी शामिल होते हैं और हम उसके बिना नहीं रह सकते। पेड़ पौधे, लकड़ियां, सब उन सबको हमें नहीं काटना चाहिए। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पेड़ पौधे सब काट रहे हैं, नदी तालाब पाट रहे हैं, पेड़ पौधे सब काट रहे हैं, नदी तालाब पाट रहे हैं, बना रहे चौड़ी सड़क मकान आलीशान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। प्रदूषण